अगर आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। 1 सितंबर से बैच शुरू कर रहे हैं। टीम AVP मैथ्स अरुण सर पढ़ा रहे हैं 12:30 बजे, इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं 1:30 बजे और रीजनिंग 2:30 बजे पुनीत सर पढ़ा रहे हैं। 1 सितंबर से बैच जाएगा प्री का 2 अक्टूबर तक, 3 को है आपका एग्जाम, देन उसके बाद मेन स्टार्ट हो जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा होगा आपको क्योंकि सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। आपके सामने IBPS PO है, प्री प्लस मेन से, देन उसके बाद RRB का PO आएगा, RRB का क्लर्क है, देन उसके बाद IBPS क्लर्क, और तब तक आपके सामने नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जिसमें CET को आप पढ़ रहे होंगे। तो 12 महीने का Unacademy सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद वहां पर पढ़िए बढ़िया तरीके से। जो भी आपकी फी होती है उसमें फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा BB10, BB10 है जिसका मतलब है बेहतर भविष्य। तो BB10 इस कोड का इस्तेमाल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए 12 महीने का, पढ़िए हमारे साथ, टीम AVP आपके साथ में। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। मेरा नाम है विशाल परिहार। शुरू करेंगे हम आज की क्लास। यूजुअली हम लोग इस सेशन में जो काम करते हैं वो करते हैं रेगुलर बेसिस पर एक सीरीज, बट आज हम लोगों ने थोड़ा अलग इसको चूज किया है, दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस का बैंक एग्जाम में क्या यूज है। ये भी मैंने इसलिए क्योंकि आपको इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। इसका मतलब ये होने वाला है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए लिटरली बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। आप में सभी लोग जिसको लगता है कि यार एक्टिव पैसिव में मुझे दिक्कत होती है, जरा फटाफट से यस करके मुझे लिखकर बताएं, जी सर हमें दिक्कत होती है। क्योंकि यार देखो, आज मैंने कई सारी चीजें, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आज आपको बताने वाला हूं मैं। न्यूज़पेपर की कुछ क्लिप्स मैंने उठा के लगाई है ताकि आपको एक अंदाजा लग पाएगा कि अच्छा इसको ऐसे एक्चुअली ऐसे यूज करते हैं, है ना। जरा मेरे को एक बार सभी लोग यस करके बता दें, यस सर हमें दिक्कत होती है, जितने भी लोगों को दिक्कत होती है। बाकी फिर करते हैं शुरुआत सेशन की फटाफट से, और इस सेशन को शेयर कर दो दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जितने भी टेलीग्राम स्टडी ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं, जितने भी आप फेसबुक और कहीं पर भी किसी भी ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, दोस्तों को बुला दो और शुरू करते हैं सेशन को। अपनी नोटबुक लेकर रेडी रहना, जो पॉइंट्स में आज आप बताऊंगा उसको नोट कर लेना। ये मत सोचना कि यार कि ठीक है सर ने बताया है और ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है वाली जो बात होती है तो वही प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बन जाती है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी है उसको नोट कर लो, क्योंकि बिफोर एग्जाम आपके पास वो नोटबुक होनी जरूरी है जिस पर आपके पास सारे के सारे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं या फिर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चन करने या फिर जो क्विज मैं आपको देता हूं वो आपको प्रैक्टिस करनी है या कहीं से भी कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिफोर दैट आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए कि आपने फटाफट से देखा और रफली उसका आइडिया ले लिया और आपके दिमाग में ग्रेजुअली ऐसा होगा कि एग्जाम आने से पहले आपके दिमाग में सारी चीजें रटी होंगी। इसीलिए नोटबुक 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 होना बहुत बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, करते हैं शुरुआत, थम्स अप देकर शुरुआत करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं यहां पर सभी लोग फटाफट से आ चलते हैं कि क्या क्या हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ना होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, आप में से सभी लोग जिनको बिल्कुल नहीं आता ना, सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग उसे पढ़ने वाले, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, समझ रहे हैं। आइए, एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब आपने जो अपने 10th में या फिर 12th में जो आप लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था, ये वो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट तो जरूर करेगा बट एग्जाम में उसके जैसा नहीं पूछा जाता जो आपने 10th में या फिर 12th में पढ़ा होगा। आप में से बहुत से लोगों को बिल्कुल याद भी होगा 10th और 12th में, और बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, वो धुंधली यादों की तरह कहीं खो गया होगा। अभी मैं बताऊंगा तो काफी हद तक याद आएगा, लेकिन हमें उस हिसाब से पढ़ना है जैसा हमारे एग्जाम में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछा कैसे जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस। नंबर वन, एग्जाम में कभी ऐसे नहीं पूछा जाता है कि आपके सामने एक सेंटेंस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक सेंटेंस दे दिया, बोल दिया गया कि ये एक्टिव में सेंटेंस है, इसे कन्वर्ट कर दो पैसिव में, है ना। ऐसे करके नहीं पूछा जाता बैंक के एग्जाम में। ऐसा पूछा जाता है SSC की कोई एग्जाम होता है उसमें, या फिर वो लोग जो लोग इस साल एलिजिबल नहीं है बैंक के किसी एग्जाम के लिए, वो लोग CET जो अप्लाई करने वाले होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डेफिनेटली CET आएगा, तो ये वाला टॉपिक तो फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। डायरेक्टली कुछ नहीं तो 2-3-4 मार्क्स का तो आ ही सकता है, तो वो आ सकता है।
बैंक में कैसे पूछ लिया जाता है, तरीका आपको मालूम होगा। बैंक में कैसे पूछ लिया जाता है, वो क्या करते हैं, आपके सामने एक इस तरीके का कोई भी फॉर एग्जाम्पल एरर का सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है, वो एरर ही है और सेंटेंस आपका बना हुआ है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, ऐसे करके सेंटेंस बना हुआ है और इसी सेंटेंस में वो गलती दे देते हैं। जैसे हमें मालूम है कि यार यहाँ पर ना एक्टिव का सेंटेंस होना चाहिए, बट वो दे दिया उन्होंने पैसिव में, हमें मालूम है ये पैसिव होना चाहिए, दे दिया उन्होंने एक्टिव में। तो बस इतनी सी गलती होती है जो कि हमें पहचाननी होती है, यानी कि हमें देखकर बस ये पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में है और एक्टिव में होना चाहिए, पैसिव में है और पैसिव में होना चाहिए, यही पहचानना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, कैसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने टाइप की क्वेश्चंस, कितने टाइप के सेंटेंसेस हमारे बन पाते हैं, इसको नोट कर लेना, सुनो बड़े ध्यान से, बड़े एक एक करके चीजें। जैसे कि हमने क्या देखा कि यार कोई भी सेंटेंस याद रख लो, पूरी इंग्लिश में याद रखना, कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहला आपको दिमाग ये लगाना है कि सर अगर सेंटेंस एक्टिव में होता है, अगर सेंटेंस एक्टिव में होता है तो जो वहां सब्जेक्ट होगा, शुरुआत होगी उससे और सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट खुद काम करता है। ये बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा रहा हूं ताकि ना आपको कंफ्यूजन ही ना हो। आपने देखा एक सेंटेंस है, वहां पर सब्जेक्ट कोई खुद काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा दी गवर्नमेंट अनाउंसेस दीज स्कीम्स, गवर्नमेंट इन स्कीम्स को अनाउंस करती है, मैंने लिखा गवर्नमेंट इन स्कीम्स को अनाउंस करती है, तो ऐसे में मैंने लिखा गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो यहां पर काम कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही तो काम कर रही है, गवर्नमेंट क्योंकि अनाउंस कर रही है, तो जो आपकी वर्ब आएगी इसको देखकर सुनकर आपको समझना है क्या गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, हाँ कर सकती है, सब्जेक्ट ये काम बन सकता है, बन सकता है, एक्टिव है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर यही सेंटेंस आपका पैसिव में बना होता तो आपने दिमाग में तुरंत एकदम चल जाना चाहिए था कि यार पैसिव में बन रहा है दी गवर्नमेंट के साथ में, यही सेंटेंस अगर ऐसे करके लिख दिया जाता दी गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड दीज स्कीम्स, तो तुरंत आपका दिमाग चल जाता है कि यार ये तो गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद काम कर रही है तो ये पैसिव नहीं बनेगा, ये आपका एक्टिव बनना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट खुद यहां पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ये पहले बिल्कुल बेसिक सी छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, इस छोटी सी चीज को क्या सबको समझ में आ गया, तो मेरे को बोले कि सर सबको समझ आ गया, ये बहुत छोटी सी चीज है और मैं आपको बता रहा हूं मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी ना हो। एक बार सभी लोग लिखो मेरे को बता दो यस सर ये हमें समझ में आ गया, एक बार यस करके मेरे को सब लोग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबाश, इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब सुनो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे इनका इस्तेमाल होता है एक्टिव और पैसिव में, मैं एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं जिसको नोट कर लेना सभी लोग, और वो रूल करके नोट कर लो या फिर पॉइंट करके नोट कर लो, है ना, मैंने स्टार बना के लिख दे रहा हूं। सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में है, सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में होता है, इसका मतलब यह होता है कि वहां सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट काम करता है, काम करता, मैं हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, और सब्जेक्ट काम करता है, फिर वर्ब आएगी और इसके बाद आगे सेंटेंस बनता जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वैसा दिया है। सेंटेंस अगर पैसिव में दिया होता है, इसका मतलब यह होता है कि सेंटेंस में जो वर्ड से शुरुआत है ना वो काम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उसके ऊपर वर्क हो रहा है। जैसे मैंने कहा ये जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज अनाउंस की गई, तो क्या पॉलिसीज ने कोई काम किया, पॉलिसीज ने बेसिकली कोई काम नहीं किया है, पॉलिसीज को अनाउंस किया गया तो किसी और ने अनाउंस किया होगा, पॉलिसीज ने कोई काम नहीं किया है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कि यहां सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, यहां तो जो भी वर्ड है उसके ऊपर काम हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरुआत जो होती है वो ऑब्जेक्ट होता है और यहां ऑब्जेक्ट पर काम होता है, ऑब्जेक्ट पर काम होता है,
आप ऐसे दिमाग में रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ऑब्जेक्ट पर काम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके हिसाब से ही वर्ब होती है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या आपकी वर्ब होती है, कैसे आपको डायरेक्टली एक बार देखकर पहचान लेना होगा, और कितनी तरीके इसके आ जाते हैं, सारे तरीके आप हमेशा पढ़ते हैं। इतना सबने नोट कर लिया मेरे को बता दो, यस सर इतना सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया मेरे को यस सर करके सब लोग बता दो, और सेशन में एक बार यार थम्सअप जरूर दो, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, थम्सअप दे दें सभी लोग और यस जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स आपका लगातार चलते रहना चाहिए ताकि मेरे को समझ में आता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, वो एकदम चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंटरेक्शन होना भी जरूरी है, तभी समझ में आएगा मेरे को कि आपको भी समझ आया। नोट करना, सेंटेंस अगर आपका पैसिव में होता है तो उसके लिए जो जरूरी है, जो जरूरी है, बेहद जरूरी है, उसके बिना पैसिव बनेगा ही नहीं, वो ये है जो भी काम हम कर रहे हैं। हमने कहा पॉलिसी को अनाउंस किया जा रहा है तो काम हो गया अनाउंस करना, है ना। हमने कहा एक नया फाउंडेशन क्रिएट किया जा रहा है तो फाउंडेशन को क्रिएट करना है, काम हो गया। हमने कहा एक सेटअप किया जा रहा है तो सेटअप करना, ये काम हो गया। जो भी काम होता है ना, वो जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जब ये पैसिव बनेगा। तो इसे लिख दो, जो भी काम हो रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, लिख लेना। जो भी काम होता है, जो भी काम होता है उसकी जो भी वर्ब होगी ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ऑलवेज। हमेशा याद रखना इसके बिना काम नहीं चलेगा, हमेशा याद रखना वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। और क्या क्या होता है, थर्ड फॉर्म तो ठीक है समझ में आ गई, अब जब यहां पर हम इसे लिखते हैं तो सेंटेंस में याद रखना है बी वर्ब होती है और साथ में थर्ड फॉर्म होती है, बी वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म होती है, तब जाकर वो पैसिव बनता है। आप में से बहुत से लोग ये चीज जानते होंगे एंड इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जाम में एकदम इतना इजी नहीं आता है। एग्जाम में कैसा आता है, तो भी मैंने न्यूज़पेपर ही कुछ क्लिप्स काट के लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें इतनी चीज सबको समझ में आ गई, एक बार लिख लो कि जी सर समझ में आ गया, बी वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म हम इस तरीके से लगाते हैं। अब इसी में हमें देखना है कि ये बी वर्ब होती है तो बी वर्ब क्या क्या होती है। सभी लोग इस चीज को लिख लो, आप में से कई लोग हालांकि ये बात जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो लोग से लिख लो बी वर्ब क्या होती है। बी वर्ब हमारी ये होती है, आप प्रेजेंट में लिखते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर लिखते हैं हम पास्ट में, इन्हीं को बोलते हैं बी वर्ब। इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, या तो इज, एम, आर, वाज, वर लिखा होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म दी होती है, या फिर खुद बी लिखा होता है तो थर्ड फॉर्म दी होती है। बी नहीं लिखा होगा तो बी में आईएनजी लगा होता है, बीइंग होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म दी होती है। ये नहीं होता तो इसकी थर्ड फॉर्म खुद होती है बी की, बीन होती है, उसके साथ थर्ड फॉर्म होती है। अल्टीमेटली बिना बी के साथ आपकी थर्ड फॉर्म दी होती है तो सेंटेंस जनरली रॉन्ग होता है, सेंटेंस जनरली रॉन्ग होता है, हमेशा नहीं, जनरली। अब ये जनरली और हमेशा, ये जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, बहुत बहुत बड़े डिफरेंसेस यही क्रिएट करता है। बचपन में हमने यही तो पढ़ा है कि बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव होता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ना एकदम से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, आपको बताता हूं कि क्या बात मैं कहने चाह रहा हूं। जैसे कि आपने क्या लिखा, ऐसे लिखा दीज, इसको नोट कर लेना दोस्तों सभी लोग, है ना, नोट करके रखना, दीज पॉलिसीज आर अनाउंस्ड, दीज पॉलिसीज आर अनाउंस्ड, ये सभी पॉलिसीज क्या हैं, अनाउंस की गई हैं, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा हमने ये लिख दिया। तो हमें एक चीज पता भी चल गई कि यार ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, पॉलिसीज है, ठीक है, हमने बी वर्ब देखा और यहां पर थर्ड फॉर्म लगा दिया, ये तो ठीक होता है, ये हमारा होता है जनरल कंडीशन, इसे हम बोलते हैं जनरल कंडीशन, जिसको मैं कह रहा था जनरली ऐसे करेक्ट होगा, और अगर आर या इज, एम, आर, वाज, वर या बी वर्ब नहीं दिया होगा तो जनरली वो रॉन्ग होता है। जनरली
स्पेसिफिकली क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखना स्पेसिफिकली इस बात को क्या कहा जा रहा है। अभी इसी सेंटेंस को मैंने अलग करके एक और कोई दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, है ना। देखो मैंने कहा दीज पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैव थ्री डिफरेंट फीचर्स फॉर द फार्मर्स। हमने सेंटेंस ये लिखा। अच्छा जरा देखो आप ये सेंटेंस देख रहे हो, इस तरीके के सेंटेंसेस आपने खूब सुने होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हो। बस मेरे को ये बताओ क्या सेंटेंस करेक्ट है। हमने लिखा दीज पॉलिसीज अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैव थ्री डिफरेंट फीचर्स फॉर द फार्मर्स। ये बताओ सेंटेंस ठीक है कि नहीं, बस मेरे को इतना बता दो, मेरे को क्लैरिटी मालूम पड़ जाएगी कि ठीक है भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार यस और नो करके बता दो। इस तरीके के सेंटेंसेस आपने खूब सुने हैं, इनफैक्ट बचपन से हम ऐसी ही चीजें सुनते आते हैं और स्पेसिफिक कंडीशन को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि यार पैसिव है तो बी वर्ब होनी चाहिए। हियर इट इज द पैसिव फॉर्म बट अगेन वी डू नॉट हैव द बी वर्ब। सेंटेंस सही है गलत है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं रॉन्ग है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं करेक्ट है। जो लोग मुझसे डे वन से पढ़ रहे हैं उनको मैंने कई बार इस तरीके के रूल बताए हैं। अगर मेरे को बताओ कितनों को याद है जिनको मैंने इस तरीके के रूल बताए हैं, तो जिनको याद है बताए हैं तो मेरे को लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में याद है। जिनको याद नहीं है वो उनके लिए नई बात है, वो लोग इसे नोट कर लेना। करेक्ट बोल रहे हैं बहुत से लोग रॉन्ग बोल रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनो क्या बात ये है। बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी एक सेंटेंस आपके सामने दिया हो, है ना, इसको बताने से पहले एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा। जब कभी भी एक सेंटेंस आपके सामने दिया हो, यहां लिखता हूं, और उस सेंटेंस में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि मैंने क्या बोला, द क्वेश्चंस हैव फाइव ऑप्शंस। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा कॉमनली यूज सेंटेंस है, बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सेंटेंस ये, मैंने बीच में इसको थोड़ा अलग कर दिया है, द क्वेश्चंस हैव फाइव ऑप्शंस। क्वेश्चंस में पांच ऑप्शंस हैं, सेंटेंस आपका एक्टिव है, क्वेश्चंस में पांच ऑप्शंस हैं। ओके, जो क्वेश्चन है उसमें पांच ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव है। बट अगर हमारा मन करे और बीच में हम कुछ उसमें ऐड कर दें, बीच में हम कुछ यहां ऐड कर दें, तो अगर बीच में कुछ हम ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सुनो बड़े ध्यान से, उसको बोला जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो भी हम ऐड करेंगे वो होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो एक्टिव में दी होगी या पैसिव में दी होगी। इतनी बात क्लियर है ना, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी या तो वो एक्टिव में होगी या पैसिव में होगी। आपने देख लिया दो तरीके की हो सकती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये या तो आपकी एक्टिव में हो सकती है या आपकी पैसिव में हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है, जनरल तो हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक है। जब कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पैसिव में होती है तो जो बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे तो वहां बी वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म लगती है। जब कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पैसिव में होगी तो डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगेगी, बी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। मैं इसको ना लिख दे रहा हूं, ऐसे करके लिख दे रहा हूं। देखो यहां अगर आपने इसको बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तब फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म होगी, सेम एज एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, तो डायरेक्टली वर्ब में हम ing लगाते हैं। जिसको आप देखते हो ना, कई बार कहते हो कि सर बीच में वर्ब आ गई, इसमें सर ing क्यों दिया हुआ है, सर एक कॉन्टिन्यू है, इज एम आर क्यों नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं क्या मैं लिखना चाह रहा था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, द क्वेश्चंस
गिवन बिलो, सेंटेंस ऐसी तो दे दिए जाते हैं, द क्वेश्चंस गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं किसके द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा, पैसिव भी तो है, गिवन आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, आपका भी एसएमआर वाज वर नहीं लगता, सेम है सिचुएशन पहले वाले सेंटेंस की थी, ये सीख गए तो मुझे बोले, ये सीख गए तो मुझे बोले सर सीख गए, और ये चीज बेटा हर जगह काम आने वाली है, ये चीज देखो यहां काम आई है, ये भी तो यहां पर भी तो सेम यही बात बोली गई, देखो दीज पॉलिसीज, ये जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज, ये सब्जेक्ट है आपका दीज पॉलिसीज, अब इसका जो वर्ब है वो यही तो है, दीज पॉलिसीज हैव थ्री डिफरेंट फीचर्स फॉर द फार्मर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका आगे वर्ब के साथ बना हुआ, जो ये बीच में है ना, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन पैसिव में दी है, इससे डायरेक्टली हमने अनाउंस्ड लिखा था, थर्ड फॉर्म कर दी अनाउंस्ड बाय दी गवर्नमेंट, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो मेरे को बोले यस सर समझ में आ गई, ये सेंटेंस आपका मैंने पैसिव का दिया है, ऐसी एक एक्टिव का सेंटेंस बनाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे करके मैं कई तरीके के सेंटेंसेस दूंगा, एक्चुअली एग्जाम में ऐसी एरर आती है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो मुझे बोले जी सर सबको समझ आ चुकी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से है ना, शाबाश बहुत बढ़िया, तो मेरे को एक बार थम्सअप देकर दिखाते हैं, 2000 बच्चे देख रहे हैं, 1100 लोगों ने थम्सअप दिया है, थैंक यू वेरी मच गाइज, और सबको समझ में आ गया 2000 के 2000 बच्चों को, तो जल्दी से एक बार थम्सअप दे दे 2000 के 2000 लोग, मैं चाहता हूं यहां 2000 थम्सअप हो जाने चाहिए, मैं पूरी कोशिश करके आपको पूरा बढ़िया समझा दूंगा एक एक स्टेप जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, तो अपना थंबनेल पूरा पूरा हो जाएगा कि एग्जाम में जो आता है एक्टिव पैसे बैंक के वो हमने सीखना है, ये क्लियर सबको, मुझे सब लोग बोले सर क्लियर, और आप में से जो भी बच्चा जिसको लगता है कि यार हमें समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई अगेन, दोबारा करेंगे समझ आएगा, मैं अब आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने में ये नहीं कि पीछे वाला रह गया, आपको समझ आएगा, मैं और एग्जांपल्स दूंगा, जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, देखो जरा अब बढ़ते हैं इसी में आगे, है ना, ये हो गया अपना, एक जरा न्यूज़पेपर की हम लोगों ने कटिंग ले रखी है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, पूरा यहां पर लिखा है, मैंने ये इसलिए ले लिया ताकि मैंने एग्जांपल देने के बाद आपको समझा दूं, मैं ये पूरा अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैंने इसको ना लिख लिया है, पीपीटी में लगा दिया, देखो ये मैंने पीपीटी में लगा दिया है, इसको मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से उठा लिया है, आप लोग यूजुअली कहते हो सर सिर्फ द हिंदू ही क्यों पढ़े, द हिंदू ही क्यों पढ़े सर, दूसरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते क्या, पढ़ सकते हो यार, मना किसी भी न्यूज़पेपर की नहीं है, द हिंदू में वैरायटी ज्यादा आती है ना, तो हम लोग जो कि एडिटोरियल में मिल जाती है इसलिए हम उसके एडिटोरियल पढ़ते हैं, बाकी न्यूज़ तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप पढ़ सकते हो, इट्स नॉट कि नहीं फिक्स्ड नहीं है ना कि सिर्फ द हिंदू पढ़ना, हमने द हिंदुस्तान टाइम्स का लिया हुआ है, आप बड़े ध्यान से देखो जरा, बड़े ध्यान से देखो आराम समझ में आ जाएगा, और यार मैं क्या देख रहा हूं, 1300 लाइक हुए यार, कैसी बात करते हो यार, कम से कम 1500 लाइक कर दो यार, ऐसे तो मत किया करो यार, ये तो क्या मैं कहता जा रहा हूं तुम लोगों का, सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, कान बंद कर ली, लाइक बटन में कहने का, 1500 लाइक तो कर दो यार, इतनी तो बेइज्जती मत करो यार, जल्दी से थम्सअप दे दो, समझ नहीं आया, आए हो देख रहे हो बढ़िया से थम्सअप दो यार, कम से कम 1500 तो कर दो, 2000 देख रहे हो, 1500 लाइक्स नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगी, हाँ थम्सअप 1500 तो करो यार, चलो ए डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, बड़े ध्यान से देखो, सब्जेक्ट आपका क्या है, ए रीड ए डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, ये थर्ड फॉर्म लगा दी पैसे में, लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी फॉर सरेंडर्ड मिलिटेंट्स इन द रेस्टिव बलूचिस्तान प्रोविंस हैज एन इस्लामिस्ट ओवरहैंग, अब जरा देखो सेंटेंस में ये था सब्जेक्ट ए डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम और ये थी वर्ब हैज एन इस्लामिस्ट ओवरहैंग, सेंटेंस तो सिर्फ आपका इतना ही था ए डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हैज एन इस्लामिस्ट ओवरहैंग, बाकी जो ये बीच में आया ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो है, बाकी जो ये बीच में आया ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो है, और ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा क्या किया है, लॉन्च किया गया है, पैसिव है, इसलिए डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगाई हमने, इज एम आर वॉज वर्क की जरूरत नहीं हुई, क्या ये बात क्लियर हो गई, तो मुझे बोले जी सर पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ओवरहैंग दिया हुआ रुका हुआ है, रोका गया, रोकने को बोलते हैं ओवरहैंग, ये आपकी वर्ब नहीं है नाउन है ओवरहैंग,
समझ गए मेरी बात, तो मुझे बोले यस सर समझ गए, उल्टा कर दो हैंगओवर, तो फिर वो फ्रेजल वर्ब आपकी बन रही है, ये वो नहीं है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये था आपका एग्जाम्पल मैंने दिया, और ऐसी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ही अगर आप रीड करोगे ना आपका काम हो जाएगा, किसी किताब किसी और जगह आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको आना जरूरी है, आपको सिर्फ तभी आएगा जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मुझे बोले जी सर पूरी तरीके से हमें समझ में आ गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको देता हूं एक और सेंटेंस, ये सेंटेंस तो हमारा पैसिव वाला था यार, समझ गए सर पैसिव कैसा होता है ये तो समझ में आ गया, आ जाओ एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, है ना, आ जाओ जनरल कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन ताकि बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आए, बस आप मेरे को बताना सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, बस लिखकर बताना कॉमेंट बॉक्स पे, जाओ सेंटेंस को बड़े ध्यान से फोकस करके देखो, देखता हूं कौन बता पाता है कौन नहीं। हमने लिखा इस तरीके से, ऐसे लिखा सिंपल सेंटेंस छोटा सा लिखते हैं, द फैक्ट्रीज यहां से लिखता हूं have more than 4,000 workers। अब मैं बीच में लिख रहा हूं, बीच में मैं दो चीजें लिखूंगा, बताना कौन सा वाला करेक्ट, डायरेक्टली बस वर्ड लिखकर बता देना कौन सा वाला करेक्ट है ना। मैंने कहा दी फैक्ट्रीज produced producing electronic goods। अब बस देखकर बताओ क्या आएगा, produced आएगा या producing आएगा, मुझे नहीं मालूम सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, मुझे बस ये मालूम है मैंने एक सेंटेंस लिखा है द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव मोर देन 4,000 वर्कर्स, या द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव मोर देन 4,000 वर्कर्स। यू विल गेट टू नो दी स्पेसिफिक मोर वन मोर कंडीशन जो एक्टिव में और पैसिव में आती है, एक पैसिव की बता दी, नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, बस सिंपली बताओ व्हाट कैन बी द करेक्ट वन, द प्रोड्यूस्ड और द प्रोड्यूसिंग, फटाफट से आ जाओ मेरे को सब लोग बताओ, और आज जब सीख जाओ ना और मजा आ जाए कि सर हमें पता ही नहीं था और ऐसी चीजों में ही हम हर बार फंसते थे, तो बस बढ़िया तरीके दिमाग में रख लेना, कहते ना आप भूलेंगे नहीं, और थैंक यू बोलना खुद को कि अंदर से आ गई थी भावना कि आओ चलो देख ले रहे हैं विशाल सर की क्लास भी, है ना। प्रोड्यूसिंग आएगा, प्रोड्यूसिंग बिना किसी के कंफ्यूजन के प्रोड्यूसिंग आएगा। आप बताओ जिंदगी में क्या कभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कभी कंफ्यूज होंगे जिंदगी में, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस दिया हो इस तरीके के सेंटेंसेस में, पहले आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होते होंगे, दी फैक्ट्रीज के बाद प्रोड्यूसिंग लिखा है ऐसे समझ नहीं आ रहा, दी फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए या फैक्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग कैसे आ गया हमें नहीं समझ आता, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ वर्ब में आईएनजी लग गई, तमाम तरीके के कंफ्यूजन आते हैं। तो सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में है, सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में है तो ध्यान रखना है आपको आईएनजी लग जाएगी वर्ब में, और पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा अगर वहां वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ है तो, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ नहीं है तो फिर वो जनरल कंडीशन है इज एम आर आईएनजी के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव में इज एम आर आईएनजी के साथ एक्टिव में। समझ गए यहां तक बात, मुझे बोले जी सर पूरी तरीके से समझ चुके हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, ऐसे ही सीखते जाना है। अब हम बढ़ेंगे इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो आप देखेंगे कि एक्टिव पैसिव को और क्या तरीके हमारे सामने आते हैं। समझ आया, थम्स अप जरूर मांगूंगा मैं आपसे, समझ आया थम्स अप जरूर दें सभी लोग, आ जाए आप बढ़ते हैं आगे, इस सेशन को शेयर कर देना अपने किसी भी दोस्त के पास जिसको कह लगता है कि अरे मुझसे एक्टिव पैसिव नहीं होता मैं क्या करूं, मुझसे एक्टिव पैसिव नहीं होता मैं क्या करूं, वो कंफ्यूज होता रहता हो, उसको शेयर कर देना। हमने एक चीज देख ली बीवर्ब थर्ड फॉर्म में,
एक स्पेसिफिक कंडीशन भी देख ली और एक जनरल कंडीशन भी देख ली। इसके अलावा सेंटेंस आपका कैसा भी दिया हो वो सब आपका जनरल कंडीशन में आता है। मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे कि आपने देखो ऐसे करके लिखा, सेंटेंस देखना बड़े ध्यान से, हमने लिखा इस तरीके से, द मोटिवेशन फैक्टर कम्स या इज कम फ्रॉम योर एनवायरमेंट। बस मेरे को बताओ क्या आएगा इन दोनों में से, कम्स आएगा या इज कम आएगा? द डिलीवरी ऑफ दीज आइटम्स हैव बीन पोस्टपोन, या फिर आइटम्स हैव पोस्टपोन। कम्स लगाया बिना किसी कंफ्यूजन के, एक्टिव में है सेंटेंस, ये पहचान लिया सब लोगों ने, वेरी गुड। क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर में आप, ये बात तो सच है कि मोटिवेशन फैक्टर में आपके दिमाग में होगा कि फैक्टर कौन सा कोई काम कर रहा है, कौन सा यहां पर कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जो फैक्टर है और वो कोई काम कर रहा है। बट इसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसी से ही कोई जो काम हो रहा है वो इसी से ही हो रहा है। यानी सेंटेंस तो आपका भैया एक्टिव ही है और एक्टिव में कम सा आएगा। दूसरा सेंटेंस में देखकर बताना क्या आएगा, द डिलीवरी ऑफ दीज आइटम्स हैव बीन पोस्टपोन या हैव पोस्टपोन, हैव बीन पोस्टपोन या हैव पोस्टपोन। और यहां पर हैव बीन पोस्टपोन आएगा क्योंकि ये आपका पैसिव है, आइटम्स की जो डिलीवरी है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। डिलीवरी खुद कोई काम नहीं करी, डिलीवरी कोई और करेगा, आइटम्स को कोई और पहुंचाएगा, तो जो कोई और पहुंचाएगा दैट मीन सेंटेंस इन पैसिव, पैसिव है, बी वर्ब थर्ड फॉर्म वाला ही करेक्ट होना चाहिए, यह आपका रॉन्ग हो गया। यार ये तो आप लोगों ने समझ लिया, होशियार वाला काम कर दिया। एक सेंटेंस और लिखते हैं, इस सेंटेंस को बताओ फटाफट से, मुझे मालूम है आप सब लोग आराम से बता दोगे। हमने लिखा इस तरीके से, the prices of petroleum have been increased या फिर have increased। यार जिसको हैंडराइटिंग समझ ना आए तो सुन भी लेना जो मैं बोल रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं सर समझ नहीं आई हैंडराइटिंग, वो थोड़ा सा मैं लिखता हूं ना ऐसा करके थोड़ा जल्दी हो जाता है। इंक्रीज लिखा हुआ, आई एन सी आर ई ए एस ई डी, समझ जाना ठीक है, इतनी को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बस मेरे को बताओ हैव बीन इंक्रीज आएगा या हैव इंक्रीज आएगा? शाबाश आप लोग बता दोगे, मुझे उम्मीद है, और एकदम सही बताओगे ये भी उम्मीद है। दूसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं मैं, what was happened there last night, ये बताओ सेंटेंस है ये गलत है ये वाला भी। Have been आ जाएगा, have been आ जाएगा, शाबाश have been आ जाएगा, very good, very good, very good, very good। सेंटेंस दूसरा बताओ, what was happened there last night, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है ये भी मेरे को बता दो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैव बीन होगा सर क्योंकि पैसे बना हुआ। अरे हाँ मैं मान लिया हैव बीन होगा, यार गलती कहां कह रहा हूं अभी। व्हाट हैपेंड होगा, सेकंड वाले में आपने कहा सर व्हाट हैपेंड होगा, क्यों कहा व्हाट हैपेंड होगा, क्या हुआ, किसी के द्वारा कुछ हुआ होगा ऐसा करके है क्या? नहीं ना, हमें कंफ्यूजन ही नहीं हुआ आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन हो गया इतना बड़ा एकदम खतरनाक सा। बड़े ध्यान से सुनो यार, देखो पहला वाला जितने लोगों ने बताया हैव बीन इंक्रीज होगा वो सारे के सारे रॉन्ग है। फर्स्ट वाले में हैव बीन इंक्रीज नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग है।
करेक्ट होगा ये हैव इंक्रीज्ड, ये आपका लगेगा, ये आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसके बारे में मैं समझाता हूं। ये बिल्कुल उसी तरीके समझ में आया होगा जैसे आप लोगों ने इसे एक बार में देखकर ही कह दिया नहीं सर व्हाट वाज हैपेंड रॉन्ग है, व्हाट हैपेंड होना चाहिए, व्हाट हैपेंड होना चाहिए। ऐसा आपने क्यों कहा व्हाट हैपेंड होना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। जब हम एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमें ऐसा रटना नहीं होता ना कि इसके द्वारा काम हुआ तो पैसिव और इसने काम किया तो एक्टिव, ऐसा रटना नहीं होता है। हमें बहुत से वर्ड पर भी ध्यान देना होता है। जैसे कि एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, है राम देखकर बताओगे सही है कि गलत है, है ना। मैंने लिखा ऐसे करके इट इज सीम्ड वेरी नाइस टू ज्वाइन योर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगता है ऐसा प्रतीत होता है। अब बताओ इट इज सीम्ड होगा या इट सीम्स होगा, इन दोनों को देखकर बताओ आपको मतलब ये चीज यहीं से क्लियरली पता चल जाएगी अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो रखी होगी। ये चीज आपकी यहीं से क्लियरली समझ में आ जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हो रखी होगी ना। हेलो आवाज नहीं आ रही, अरे सही है, सब कुछ सही आ रहा है ना। लो मेरे लैपटॉप पर कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे लगा यार बंद हो गया क्या, इंटरनेट चला गया क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, कहां पर थे, हाँ सबको समझ में आ गया। इट इज सीम्ड नहीं होगा, इट सीम्स हो गया, ये सबको समझ में आ गया। सेम एज व्हाट हैपेंड नहीं, व्हाट हैपेंड होगा, व्हाट वाज हैपेंड नहीं होगा। मैं बताता हूं ऐसा क्या होता है, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो खुद आपको पैसिव होने की बात को बताते हैं। जैसे कि जब आप लिखते हैं happen, जब आपने लिखा happen तो happen का मतलब क्या होता है कि कोई काम होना, happen का खुद का मतलब क्या होता है कोई काम होना। तो क्या किसी के द्वारा होने वाली बात को ये बता पाएगा कभी, खुद इसका काम है होना, ये खुद आपको पैसिव का सेंस देता है। ये बिल्कुल वैसी ही जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था सीम, सीम का मतलब है प्रतीत तो होना, ये खुद आपको होने की बात को बताता है कि कोई चीज हुई। सेम एज आपका वर्ड बच्चे इंक्रीज है, सेम एज वर्ड बच्चे वर्ड आपका इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना ये खुद बढ़ रहा है, ये आपका खुद पैसिव का सेंस दे रहा है। तो जो वर्ड आपके खुद पैसिव का सेंस देते हैं तो उनको तो पैसिव में लगाने की जरूरत ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी करेक्ट इन एक्टिव वॉइस, राइट। सेम एज देखो ये भी तो ये ऐसे ही हुआ अपना जो यहां पर था, द प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के जो प्राइजेस थे हैव इंक्रीज, वो बढ़ गए, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना नहीं होता, कि बढ़ाना होता तो आप लगाते बाय समवन, तो हैव बीन लगाना पड़ता, हैज बीन लगाना पड़ता, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती। क्या ये बात आपको समझ में आई एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये चीज आपने बचपन में नहीं पढ़ी होगी, वो जनरल कंडीशन ही पढ़ी होती है, और एग्जाम में वो जनरल चीजें जब आती ही नहीं है तो फायदा क्या उसको पढ़ने का। एग्जाम में ऐसा आता है, पढ़ने के बाद भी हमारे सामने आता है कि ओहो ऐसे करके दीदी गया, ऐसे करके हमें मालूम पड़ा, एक काम करना आज के लिए गूगल पे सर्च करना प्राइजेस बढ़ गए, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, हर जगह चेक करना, आपको इस तरीके से दिखेगा, समझ गए। ये एक्टिव पैसिव में इस तरीके से देखेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, तो इतना मेरे को बोले जी सर ये समझ में आ गया, बढ़िया एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। सब लोग मुझे बोलो, मैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट कट किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया और मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में देखो यार वो वाला नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन वाला अलग तरीके का, वो पढ़ रहे हैं जो बैंक में आएगा, इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। और एक बार बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हो जो न्यू हो, न्यू न्यू बच्चे बताओ न्यू कितने हैं,
ये दिखाता हूँ अभी, जो बच्चे न्यू है ना, न्यू वालों को बता दे रहा हूँ, जो जितने भी बच्चे न्यू हैं और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू वाले बच्चों को तो पता नहीं होगा ना, जो क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लास जो है ना, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर, उस पर आना आप सब लोग, अनअकैडमी स्पेशल पर डेली वहां पर 3 बजे क्लास होती है, मेरी आज भी 3 बजे क्लास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मैं मिल जाऊंगा, मुझे फॉलो कर लेना और उसके बाद मेरी प्रोफाइल में आना, स्पेशल क्लास के टैब में चले जाना, वहाँ स्पेशल क्लास के टैब में 3 बजे क्लास चल रही होती है, आज आके 3 बजे क्लास में जुड़ना। बेसिक सी बहुत सी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होंगी ना, वो आप सीख जाओगे, क्लर्क की प्रिपरेशन करने वाले हर एक बच्चे के लिए। समझ गए यहाँ तक? मुझे बोले जी सर पूरी तरीके से समझ रहे हैं। और जो लोग पुराने हैं, मतलब 5-6 दिन से भी पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए पुराने हो गए थोड़े से, उनको पता होगा क्योंकि मैं उनको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो यार इसमें दिखाता हूं मैं आपको, ये अपने पास है इसको ना, इसको मैंने लिख लिया, 2 पार्ट में लिख लिया। पहला पार्ट देखो बड़े ध्यान से, सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैव ऑल्सो बीन आज टू कॉन्टैक्ट यूपीए अलाइज एंड अदर लाइक माइंडेड पार्टीज टू पुट अप अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। ये बताओ सेंटेंस यहां पैसिव में दिया है, क्या सेंटेंस सही है या गलत है, ये मेरे को बताना। सीनियर कांग्रेस लीडर आस्क्ड होना चाहिए या हैव आस्क्ड होना चाहिए या हैव आल्सो बीन आस्क्ड करेक्ट है, बस ये मेरे को इतना बता दो। सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, बस मेरे को इतना बता दो। सेंटेंस एक्टिव में होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंटेंस एक्टिव में नहीं होगा, पैसिव में बना होगा तो रॉन्ग होगा ही होगा। मेरे को बता दो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है, एवरीबॉडी जितने बच्चे सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतने से मेरे को क्लियर हो जाएगा सेंटेंस सही है कि नहीं है। सभी लोग फटाफट जल्दी से, एवरीवन, पैसिव में दिया हुआ है करेक्ट है, एक्टिव होगा रॉन्ग है, ठीक है, करेक्ट है, राइट है, देखो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आज डा रखा है, ओके आज डू को। देखो सुनो 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 सुनो, यही चीज देखो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि हमें कभी रटना नहीं है। बचपन में क्या होता है, मैंने ये वाला सेंटेंस जानबूझ के क्यों लिखा है, मैं तो कोई भी सेंटेंस उठा लाता न्यूज़पेपर से। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी पढ़े होंगे। बताओ मेरे को कितने लोगों ने पढ़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सभी ने पढ़े होगा, एक बार मेरे को यस करके बताना, सभी ने पढ़ा होगा। तो एकदम से वहां पर आपको आस्क वर्ड दिखता है ना, तो आस्क देखते ही आपके दिमाग में आता है कि डायरेक्टली सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ही आस्क्ड होना चाहिए, जैसे लिखा होता है दे आस्क्ड, दे ने मुझसे पूछा, समझ गए? तो जिन लोगों ने जनरली पढ़ा होता है ना इस तरीके से, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक करता है कि यार यही सही होगा और इसी को लगाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, दे आस्क लिखा हो सकता है, दे हैव आस्क लिखा हो सकता है, सबसे पहले ये होता है, बट ये तब होता है जब ये सेंटेंस एक्टिव में होगा, जब दे ने पूछा होगा, दे ने कहा होगा, दे की कोई बात हो रखी होगी, दे कोई काम कर रहे हैं, तभी तो वो एक्टिव में होगा। और दे कोई काम नहीं कर रहे, दे के ऊपर काम किया जा रहा है, दे से पूछा जा रहा है, दे से कहा जा रहा है, तो वो आपका एक्टिव ना होकर पैसिव बनेगा। द सेम सिचुएशन वी हैव ओवर हियर, सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड, उनसे भी कहा गया कि कॉन्टैक्ट करो यूपीए अलाइज से, समझ गए? तो मतलब जब पूछा जाएगा और वो पढ़कर पता चलेगा सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में, वो आपको देखकर एकदम से एकदम दिमाग खोल के रखना है, ये नहीं करना है या गड़बड़ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। अब मेरे को बताओ किस तरीके के कुछ भी आएगा तो आराम से पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे, मेरे को सब लोग बताओ, इस तरीके से आएगा पूछा जाएगा तो पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे, ये मेरे को बताएं आप सभी लोग। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, दूसरे को देखो जरा, उसी का ही मैंने एक और लिख रखा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रीन हैड अर्लियर सेड, उन्होंने पहला ऐसा कहा, हैड अर्लियर सेड, ये आपका एक्टिव में है ना, क्योंकि उन्होंने कहा, इसे पहले वाला दिया था वो पैसिव में था, ये दिया है ये एक्टिव में, दैट लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज विल वर्क टूगेदर इन पार्लियामेंट एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन पब्लिक इशूज। दूसरा सेंटेंस आ गया, अच्छा वैसे आपको मालूम है लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को अच्छा ये और बता दो, मैंने ये तो बताया नहीं आपको, लाइक माइंडेड पीपल क्या होते हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज क्या होती हैं, लाइक माइंडेड लीडर्स क्या होते हैं, लाइक माइंडेड एम्प्लॉयज क्या होते हैं, लाइक माइंडेड कंपनीज क्या होती हैं, लाइक माइंडेड अप्रोचेस क्या होती हैं, लाइक माइंडेड का मतलब कौन मुझे बताएगा, जरा ये भी मेरे को बता दो कि सर हाँ मेरे को पता है लाइक माइंडेड का मतलब, मैं बता सकता हूँ लाइक माइंडेड का मतलब भी मेरे को जरा जरूर बताएं। सेंटेंस देखो ये भी एक्टिव में, उधर एक्टिव में पढ़ा, ये जो पार्टीज होंगी ये एक साथ काम करेंगी, तो पार्टीज काम करेंगी, सेंटेंस एक्टिव में है पार्लियामेंट में, और कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे यानी ये भी काम करने की बात है, इसलिए आपका ये भी एक्टिव में दे दिया गया। आगे आ गए, देयर विल बी अ लॉट ऑफ टीम वर्क, काफी ज्यादा टीम वर्क होगा, काफी ज्यादा टीम वर्क होगा, किसके द्वारा, किसी के द्वारा,
सेंटेंस एक्चुअली आपका फ्यूचर में तो दिया है, पैसिव का सेंस देगा सिंपली आपका बन जाए, क्योंकि हालांकि कोई काम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर इसे पैसिव नहीं बनाओगे, ना ही आपको समझ में आएगा पैसिव नहीं बनाओगे। सेम थॉट्स वाला, वेरी गुड। लाइक माइंडेड का मतलब हो जाता है हाँ, अरे होशियार नहीं होता, लाइक माइंडेड का मतलब होशियार नहीं होता, लाइक माइंडेड का मतलब लाइक मतलब उसके जैसा, ये लाइक और डिसलाइक वाला लाइक नहीं है, लाइक का मतलब है उसके जैसा। लाइक माइंडेड मतलब सेम दिमाग वाले लोग, सेम अप्रोच रखने वाले लोग, सेम तरीका फॉलो करने वाले लोग, वो आपके लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। और लाइक माइंडेड अप्रोच होती है सेम एज यहां दिया लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज, एक रूलिंग पार्टी बाकी ऑपोजिशन पार्टीज, तो ऑपोजिशन पार्टीज सबका सेम सोचना है तो सारे सारे लाइक माइंडेड पार्टीज कहलाएंगे, ऐसे करके याद रखना होता है, ये इसका तरीका होता है। समझ गए सब लोग, तो मुझे बोले जी से समझ गए। और मैं देख रहा हूं यहां पर 1900 लोगों ने थम्स अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच, इसे जल्दी से थम्स अप देकर मुझे 2000 करवा दो सभी लोग की सर, 2000 थम्स अप हो गए एवरीबॉडी, सभी लोग 2000 थम्स अप कर दें यहां पर कि सर 2000 थम्स अप हम लोग करके दिखा देंगे। और उसके बाद मैं आपको ये सेशन दिखा दूं एक बार, सभी लोग जितने लोग आए हैं अच्छा लग गया है थम्स अप जरूर दें। मैं आपको चाहता तो एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं सब कुछ पढ़ा देता जो आपने बचपन से लेकर किताबों में पढ़ा, बट मैं अगर वो पढ़ाता जो किताबों में लिखा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड द बुक, कोई मतलब ही नहीं रहता। आपने जो आज यहां सीखा ये एक्चुअली एग्जाम में आएगा, जो कि मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जो कि कई बार आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं आता एक्टिव पैसिव वॉइस में, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। आ जाओ जरा, एक चीज और मैंने लिखी हुई यहां से लेकर यहां तक, बट 2000 थम्स अप पहले कर दो यार सभी लोग, सभी लोग एक बार थम्स अप देकर 2000 थम्स अप पे प्रेस कर दें। कितने हो गए, मैं पहले इस पे एक बार चेक कर लूं, ऐसा तो नहीं 2000 कर दियो अभी, हुए नहीं 2000, 1975 हो गए, 25 और बचे हैं। एक बार आप लोग 25 लोग और यहां पर करके दिखा दें, है ना, 25 लोग और कर दें तो ये थम्स अप हो जाएगा। और कल पता है मैं क्या कराने वाला हूं, कल का सेशन तो आपको बताया ही नहीं मैंने, कल का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक और सेशन है, देखो लग जाएगा आज दोपहर में शाम तक लग जाएगा। कल का सेशन कराने वाला हूं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में, होते हैं कि नहीं होते बताओ, इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो एक्सेप्शंस आपके कितना भी पढ़ लो, अगर उन एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ा तो इंग्लिश आपकी अधूरी है, आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, मानते हो इस बात को, आपकी इंग्लिश अधूरी रह जाती है, प्रिपरेशन अधूरी हो जाती है। तो उन एक्सेप्शंस को मैं निकाल के लेकर आऊंगा कि इंग्लिश के वो सारे एक्सेप्शंस जिनके बिना प्रिपरेशन आपकी अधूरी है, आपको मजा आ जाएगा एक्सेप्शंस एक बार में सीख गए। जनरल रूल तो आपके किताब में भी मिल जाते हैं, टीचर से भी आप सीख लेते हो, अलग अलग इधर उधर बुक वगैरह उठाओगे वहां मिल जाएंगे, बट अबाउट द एक्सेप्शंस वो किसी एक जगह नहीं मिलते, वो एक्सेप्शंस आपको एक जगह यहां मिल जाएंगे। तो उसके लिए कल सुबह 9 बजे ना अलार्म सेट करके रेडी रहना उसके लिए, बढ़िया है ये स्टेप, मुझे बताओ कि हाँ सर बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है ये बात, आपको जरूरत थी कि नहीं थी इसकी, सबको जरूरत होगी है ना। देखो मैंने एक और इसका इसी का ही मैंने स्क्रीनशॉट जो कट किया था ना वो मैंने यहां पूरा लिखा हुआ है, ठीक है इसको पढ़ेंगे, सबको बढ़िया है ना, जरूरत तो है, अच्छा है तो इस बात को शेयर कर देना, बुला लेना सबको, सब लोग आराम से पढ़ें। देखो यार न्यूज आई है, दिल्ली में फिर से मेट्रो रिज्यूम हो जाएगी, उसको लेकर न्यूज है, देखो क्या है पढ़ते हैं। The resumption of services, जो मेट्रो रेल services है उसका जो resumption है यानी फिर से शुरू होना, The resumption of services brings not only relief, वो सिर्फ relief ही नहीं लेकर आएगा, for the people of Delhi, Delhi के लोगों को who require, जिनको जरूरत होगी किसकी, the metro, metro की for daily purposes के लिए, but उनके लिए भी, but also उनके लिए भी have led to traders, जो कि ट्रेडर्स तक उन्हें पहुंचाई कि जा सारे के सारे बिजनेसेस जो है बिजनेसमैन है, हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ, उनको भी रिलीफ का साइन मिलता हुआ होगा, हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि कोशिश कर रहे थे रिजम्पशन हो जाए, ढूंढ रहे थे जल्दी जल्दी रिजम्पशन हो ऑफ द मेट्रो सर्विसेज का, टू ब्रीथ बैक, उनको भी फिर से सांस में सांस आएगी, सम लाइफ इन टू देयर ड्विंडलिंग बिजनेसेस, रुका हुआ लटका हुआ लड़खड़ाते हुए बिजनेसेस में फिर से उनको सांस मिलेगी, एज नाउ कस्टमर्स कैन ट्रेवल, क्योंकि कस्टमर्स भी अब ट्रेवल कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया इसका मतलब, मतलब पढ़ के अब ढूंढो जरा क्या क्या इसमें सही है क्या क्या गलत है। हमने पढ़ा रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का जो रिजम्पशन है वो हमें ये सारी सुविधाएं लेकर आएगा। हमने देखा रिजम्पशन, रिजम्पशन कोई काम कर रहा है,
इनफैक्ट रिजम्पशन की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज ही हो जो खुद काम करेगी तभी वो एक्टिव माना जाएगा। हमने कहा रिजम्पशन ये लेकर आता है, जैसे आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हुआ वाला रिजल्ट आपकी जिंदगी में खुशियां लाता है, तो एक्चुअली वो रिजल्ट कुछ लेकर नहीं आ रहा, बट उसकी वजह से कोई जब काम होता है ना, जब वो कॉज कहीं पर आ रखा होता है ना, तो वो एक्टिव ही बनता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव ही बनता है, पैसिव बनता ही नहीं है। इसीलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, देखते जाओ समझ में आता जाएगा। ठीक, एक्टिव क्या लिया हमने, ये पढ़ा आगे ये एक्टिव आया तो उसी की वजह से ऐसा हुआ, तो ये एक्टिव आ गया, ये पूरा आ गया। ये बात तो हमारी पास्ट में लिखी हुई, हालांकि है तो पूरा एक्टिव में, पास्ट में उसने लिखी हुई तो टेंस वाली बात है कि कौन सी चीज हमारी कब यूज हो रखी। जो लोग ऐसा कोशिश कर रहे थे कि भैया मेट्रो खुल जाए, सोच रहे थे आप सभी लोग सोच ही रहे थे, तो वो सारी की सारी चीजें हो गई। हमें बस इस तरीके से करना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझ गए, वेरी गुड, शाबाश, हमने बस यही सीखना है। चलो 2000 थम्सअप भी मेरे हो गए यहाँ पर, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और बढ़िया तरीके से सबको समझ में आया, आज का सेशन आपको कैसा लगा है मुझे बताना, और दोपहर 3 बजे मिलेंगे। और कल के सेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एक्सेप्शन वाली वो वीडियो करने वाले हैं, और वो आपके लिए गेम चेंजिंग हो जाएगी। आप में से जिसको आ रहे हैं वो एक्सेप्शन, समझ लो कमाल की चीज सीख गए आप। बट एक काम करना, अपने मोबाइल फोन में अलार्म सेट करके रखो, मोबाइल फोन में अलार्म सेट करके रखो। कुछ लोग लेट आते हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी लेट आए, आप लोग अलार्म सेट करके रखो कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए 9 बजते ही आ जाना है। ये अलार्म सेट करके रखो, आपको मजा आ जाएगा, हम आके सीख जाएंगे ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बढ़िया ना, फर्स्ट क्लास तरीके से मुझे बोले जी सर, बढ़िया। चलो खत्म करते हैं सेशन को, बाकी एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पर क्लास लेनी है। जो नए बच्चे हैं ना उन्हें नहीं पता, इट्स वेरी सिंपल स्टेप, सिंपली आपको क्या करना, अनकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। अरे यार आज की स्लाइड वो लगाना रहेगी इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अनकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, जब आप उसको डाउनलोड करोगे, देखो यहाँ लिखा होगा, देखो ये रहा, आप अनकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल किया, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, ठीक है, मैं मिल जाऊंगा, मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना। वहां पर आपको दो ऑप्शन देखेंगे, एक होगा प्लस, एक होगा स्पेशल। जो लोग प्लस वाले स्टूडेंट है वो प्लस पर टैप करके, या फिर जिनको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आगे क्लर्क का भी बैच आएगा उसके लिए, या फिर जो पीओ का बैच चल रहा है इस करंट के लिए, या फिर आरआरबी का जब मेन स्टार्ट होगा उसके लिए, तो उन सबके लिए सिर्फ एक ही फी होती है, उसके लिए अलग अलग फी नहीं देनी होती, वो सब्सक्रिप्शन का फायदा है। बट मैं आपको पहले रेफर करूंगा, आप आओ सारे के सारे लोग स्पेशल में, स्पेशल में आप आ जाना, और आप आ जाकर देखना कि स्पेशल में किस तरीके की आपकी क्लासेस होती है, आपको किस तरीके से स्पेशल क्लासेस में जो हमारी पोलिंग सिस्टम होता है, पोलिंग से एक्चुअली पता चलता है कि कितने स्टूडेंट है उनके बीच में आपकी रैंक क्या बन रही है, आप कितनी जल्दी आंसर कर पा रहे हो, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ पढ़ पा रहे हो, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। तो स्पेशल क्लास में आज आप आओ, देखो, पढ़ो, फिर बढ़िया लगे आराम से अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेना। तो जैसे प्लस लिखा होगा ना ऐसे स्पेशल लिखा होगा, स्पेशल में आके आप क्लास ले लोगे, बाकी प्लस पे टैप करोगे और प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसी में आगे आना। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान पे टैप करना, आपकी फी दिख रही होगी 6000 रुपए। इसी के लिए क्या करना है, इस कोड का इस्तेमाल करना BB10, इसको अप्लाई करोगे यही फी आपकी कम हो जाएगी, 5400 रुपए आपकी फी हो जाएगी, और इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन। उम्मीद है आपको सबको अच्छा लगा है आज का पूरा सेशन, बढ़िया तरीके से सीखे। तो बाकी हम मिलते हैं दोपहर में 3 बजे, और कल मिलते हैं फिर से यहाँ पर 9 बजे, बढ़िया तरीके से इसको करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। अगर आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। 1 सितंबर से बैच शुरू कर रहे हैं, टीम AVP, मैथ्स अरुण सर पढ़ा रहे हैं 12:30 बजे, इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं 1:30 बजे, और रीजनिंग 2:30 बजे पुनीत सर पढ़ा रहे हैं। 1 सितंबर से बैच जाएगा प्री का, 2 अक्टूबर तक, 3 को है आपका एग्जाम, देन उसके बाद मेन स्टार्ट हो जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा होगा आपको, क्योंकि सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। आपके सामने IBPS PO है, प्री प्लस मेंस है, देन उसके बाद RRB का PO आएगा, RRB का क्लर्क है, देन उसके बाद IBPS क्लर्क, और तब तक आपके सामने नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जिसमें CET को आप पढ़ रहे होंगे। तो 12 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, और उसके बाद वहां पर पढ़िए बढ़िया तरीके से। जो भी आपकी फी होती है उसमें फी में डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा BB10, BB10 है जिसका मतलब है बेहतर भविष्य, तो BB10 इस कोड का इस्तेमाल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए 12 महीने का, पढ़िए हमारे साथ, टीम AVP आपके साथ में। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।